आपका स्वागत है हमारे दूसरे भाग में प्रशिक्षण में, जो कि है उद्देश्य प्रेरित कलीसिया के विषय। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सोचे, सिर्फ विचार ही नहीं लेकिन इसे लागू करना भी है जब आप इसे सीखते हैं। और आप इसे कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को ये पूछे, ये आवश्यक क्यों है कि मेरे कलीसिया का हर एक व्यक्ति परमेश्वर के उद्देश्य को जाने। अगर मैं कहता हूँ कि कलीसिया उद्देश्य से प्रेरित होनी चाहिए, मैं एक पास्टर हूँ, मैं एक अगुवा हूँ, जैसे लोगों को बताया जाता वैसे वे नहीं करते हैं। अगर हर किसी को जो बताया गया वो कर पाते तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता, परंतु ऐसा नहीं होता है। आपको पता है नहीं होता है, और ये बिल्कुल सही भी नहीं है। ये अच्छी अगुवाई नहीं, ना ही अच्छे सेवक का गुण है। लेकिन अगर कलीसिया के हर एक व्यक्ति को सिखाया जाए कि उद्देश्य क्या है और पास्टर क्यों कर कलीसिया को इस दिशा की ओर ले जा रहा है, उसमें कुछ लाभ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे कुछ कारण हैं जिसके द्वारा हम आपको ये बता सकते हैं कलीसिया के प्रति आपके उद्देश्य के विषय में। नंबर एक, ये हौसले को बढ़ाता है। हौसले का अर्थ ये है कि सबको इसमें शामिल है, उत्साहित है, उसमें एक ऊर्जा है जो सब लोगों को एक साथ लेकर चलती है, ना कि एक दूसरे के विरुद्ध में चलती है। अधिकतर हमारे पासबान और अगुओं की जो ऊर्जा है वो चली जाती है कलीसिया के एक या दो लोगों के साथ में काम करते हुए, और वे तो उसे समझ नहीं पाते, या उसमें उन्हें समय लगता है, या उसके विषय में वे विरोध को दर्शाते हैं। हर कलीसिया में इस प्रकार की बातें देखी जाती है। लोगों की बात की जाए तो वे बुरे नहीं होते हैं, ये उस गति को धीमा करता है। लेकिन क्या होता अगर सब एक साथ हो जाए? अगर ऐसा होता है तो आप पाते हैं कि सबका हौसला बढ़ जाता है। बाइबल ये कहती है कि तुम्हारे बीच में एकता हो, तुम्हारे बीच में एकता होने पाए। क्यों? ताकि कलीसिया में किसी प्रकार की कोई फूट न पड़ जाए, एक ही मन के हो, विचार और उद्देश्य में एक हो जाए। और ये वचन कुरिन्थियों में और कुरिन्थियों कलीसिया के विषय में बोलती है। पौलुस ये कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है जो हमेशा विभाजित रहती है, हमेशा जूझती रहती है, और आप नहीं चाहोगे कि आपकी कलीसिया ऐसी ही हो। नीतिवचन 29 ये कहता है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती है वहाँ लोग नाश होते हैं। जब लोग नहीं देखते हैं, जब लोगों को पता नहीं होता कि वे कहाँ जा रहे, शायद वे आपके पीछे ना चले, शायद कलीसिया का कुछ हिस्सा आपके साथ चले, शायद कलीसिया के ऐसे 10 लोग हो जो आप कहते उसके अनुसार करे, लेकिन दिन के अंत में वे चाहते हैं कि आप उन्हें ये बताए कि ये बस कहाँ जा रही है, ठीक है। इसलिए नंबर एक, ये हौसला बढ़ाता है। जब आप सबको अपने साथ में ले चलते हैं, आप उन्हें स्पष्ट रीति से समझाते और समझने में मदद करते हैं, यह हौसला बढ़ाता है। दूसरी बात को लिख लीजिए, यह निराशा को घटाता है। यशायाह 26:3 कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसको तू पूर्ण शांति को देता है, जो अपने धीरज को धरे रहता है। याकूब 1:8 कहता है, दुचित मन वाला व्यक्ति अपने हर एक कामों में अस्थिर होता है। यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि मैंने उद्देश्य को जानने के लिए मैंने परिश्रम किया है। आप ऐसा नहीं करोगे, सालों तक आप मेहनत करके आप ये नहीं कहोगे, इतने सारे वर्ष मेरे बेकार में चले गए क्योंकि लोग मेरे साथ में नहीं थे। आप ऐसा नहीं चाहोगे। तो ये निराशा को घटाता है जब हर कोई ये जानता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तीसरी बात को देखिए, एकाग्रता। ये एकाग्रता को बनाए रखता है। जब आप बहुत सी बातों को करते हैं, जब आप व्यस्त होते हो और आप बहुत सारी बातों को एक साथ कर रहे होते हो, वहां पर क्या होता है कि हर कोई व्यस्त हो जाता है। जानकारी और तंत्रों के साथ में आप एक बात पर ध्यान नहीं दे पाते, आप ये नहीं कह पाते, यही वो बात है जो हम पूरा करना चाहते हैं, ये वो बात है जो हम लोग पूरा करना चाहते हैं, और इसलिए स्पष्ट परिणाम नहीं मिलता है। हर कोई ये जानता है जब आप विजयी होते हैं या फिर आपको सफलता मिलती है, क्योंकि वे कहते हैं हाँ, यही तो हम लोग खोज रहे थे और हमें ये मिल चुका है। ये एकाग्रता बढ़ाता है। हम हमेशा एकाग्रता का उदाहरण लेजर लाइट के साथ में करते हैं। जब लाइट हर जगह जाती है, लेकिन जब आप लाइट को किसी एक दिशा की ओर लाते हैं, किसी एक स्थान पर लाते हैं, तो ये एक बन जाता है लेजर, तेज बनता है, और इससे आप मांस या पत्थर को काट सकते हैं उस लेजर के द्वारा। तो ये एकाग्रता को बढ़ाता है। पौलुस ये कहता है कि मैं अपनी सारी ऊर्जा को सिर्फ एक ही बात पर केंद्रित करता हूँ। यीशु भी सिर्फ एक बात पर ध्यान देते थे और वे ऐसे ही काम किया करते थे। एक तरीका होता है बातों को सही करने का और सही बातों को करने का। हो सकता है कि आप 10 बातें कर रहे हो और सभी बातों को सही करने की कोशिश कर रहे हो, परंतु जब आप सही बात को करते हैं ये ज्यादा प्रभावशाली होता है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात है हौसला। ये हौसले को बढ़ाता है, और ये जब एक साथ सब होते हैं तो ये हौसले को बढ़ाता है। और नंबर दो, ये निराशा को कम करता है, क्योंकि आपके विरुद्ध में काम करने वाले कम होते हैं।
और नंबर तीन, ये एकाग्रता को बढ़ाता है क्योंकि हर कोई अपनी सारी ऊर्जा को लगाता है एक ही बात को करने के लिए, इसके बजाय कि अलग अलग बातों को करे। और नंबर चार जो है, ये तो बनाता है सहयोग को, ये आकर्षित करता है सहयोग को। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ये सहयोग को आकर्षित करता है। एज़रा के समय के दौरान के लोग, एज़रा ने लोगों को और नहमया ने दीवार को बनाया, और इस समय के दौरान प्रभु के दो दास लोगों के जीवनों को बना रहे थे कुछ तबाही को देखने के पश्चात में। लोगों ने एज़रा से पूछा कि हमें बताओ कि हम कैसे करें बातों को सही करने के विषय, और हम उसमें पूर्णता सहयोग देंगे। लोग ऐसा क्यों करेंगे? लोग आपको सहयोग क्यों करेंगे? वे करेंगे जब वे जानेंगे हम जो करते हैं क्यों करते हैं। जब आपके लोग समझ जाएंगे कि आपने जो बनाया है वो ऐसा ही नहीं, लेकिन उसके पीछे एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य प्रभु की ओर से है, और हमारा पास्टर प्रभु की सुनता है, प्रभु जो कहता है हमारा पास्टर उसकी सुनता है, और वे शामिल हो जाएंगे क्योंकि वे प्रभु से प्रेम करते हैं। और हालांकि कुछ पास्टर दूसरे पास्टर से असहमत होते हैं, वे भी शामिल हो जाएंगे क्योंकि वे मान लेंगे कि पास्टर अगुवाई कर रहा है जहां प्रभु ले जा रहा है। पौलुस फिलिपी की कलीसिया को कहता है कि तुमने सुसमाचार के कार्य में मदद की है। नीतियोजन कहता है कि अगर तुम्हारे लक्ष्य सही है तो तुम्हारा सम्मान होगा। तो उसके पीछे अच्छा कारण है कि अपने लोगों को हम समझाएं कि वे प्रभु के उद्देश्य को समझें ताकि वे हमें सहयोग कर सके। क्या मैं और एक बात बताऊं? और एक बात कहती है, ये परीक्षा में मदद करती है, ये परीक्षा में मदद करती है। कैसे जानोगे कि आप विजयी हो? आप ये कैसे जानोगे कि आप सही हो? आप कैसे जानोगे कि आपने ये किया है? ये कहता कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं, अपने आप को परखो। ये तो है एक बाइबल का आधार, बाइबल का अभ्यास या फिर परंपरा कि रुके और अपने आप को परखे या जांचे कि सही दिशा में हो या नहीं। तो आप इसे सिर्फ आत्मिक दशा में नहीं लेकिन अपनी कलीसिया में भी करते हैं। आप कलीसिया में रुककर ये कहते हैं कि क्या मैं सही दिशा की ओर चल रहा हूँ? क्या हम लक्ष्य पूरा कर रहे हैं? क्या हम आज्ञाकारी है? यीशु ने कहा चेले बनाओ, क्या हम लोग कर रहे हैं? यीशु ने कहा एक दूसरे को तैयार करो, क्या हम लोग कर पा रहे हैं? एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु ने कहा कि मुझे दूसरे भेड़ों को भी लेकर आना है, जो उसने कहा हम कर रहे हैं। जब हम मसीह की आज्ञा की ओर देखते हैं, हम अपने आप से ये पूछे तो ये परीक्षा में सहयोग करती है, तो आप ये जानते हैं आप विजेता हो और आप सही मार्ग पर हो। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे साथ में ये सोचिए, सिर्फ इतना ही नहीं कि कलीसिया अपने उद्देश्य को लेकर स्पष्ट हो जाए, परंतु क्यों कलीसिया का हर एक व्यक्ति इसके विषय में स्पष्ट हो जाए? उन उद्देश्यों को विस्तृत करना क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि सभी लोग उसमें शामिल हो सके। यही वो बातें जो मिलती है। ये हौसला बढ़ाता है, निराशा को कम करता है, ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, ये आपके सहयोग को बढ़ाता है और परीक्षा में सहायता करता है। मेरे साथ में आप इस विषय सोचिए।